दोस्तों यहाँ पे रमजान कुत्ती नामक ने निशा गुरेन को कर दिया। ये बोल रहा हूँ कि उस वीडियो को लीक किसने किया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बताने वाला दोस्तों। क्या आपको लगता है ये सच हो सकता है? बिल्कुल सच हो सकता है दोस्तों। जब इतना कांड हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है, जो मेरे थंबनेल में आपने देख लिया फाइनली। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। अगर आप थोड़ा सी वीडियो को मिस करते हैं तो बहुत ही बड़ी टॉपिक को आज मिस कर रहे हो भाई। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्क्रिप्ट के। उससे पहले बता दूं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे धमाकेदार वीडियो अभी मिलता ही रहेगा रेगुलर। तो भाई बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, निशा गुरगेन से रिलेटेड दोस्तों। वायरल MMS वीडियो से रिलेटेड बात करूँगा। क्या वो रियल में डेस हो गई है? जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हो गई है, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो भाई इसका मैं खुलासा करने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरा आज खोल खाल के रख दूंगा सारा चीज़, चीटी पुटिया जितना भी है सबको खोल के डिटेल्स में आपको बता दूंगा। अब आपको नेक्स्ट कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड नहीं देखना पड़ेगा। तो भाई बात करते हैं फर्स्ट नंबर वन, यहाँ पे ये कहानी कहाँ से शुरुआत होती है, शुरू कहाँ से होती है, अंत कहाँ से होता है, सारा चीज़ वीडियो में कुंडली पूरा डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। पहले बात करते हैं शुरू कहानी हुई थी यहाँ पे शुरू दोस्तों, कि यहाँ पे है निशा गुरगेन के एक MMS वीडियो, बहुत गंदी सी वीडियो जो कि तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल होता है। उसके बाद वो फटाक से लाइव आती है अपने टिकटॉक अकाउंट पे और वहाँ पे बोलती है मुझसे मिस हो गया, जो आप सबसे पहले उसको स्क्रीन पे देख सकते हो। रोना नहीं चाहती लेकिन इतनी बड़ी बात है कि रोना आ रहा है। और वो वीडियो के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता वो किसने किया है, क्या किया है, मैंने जब खुद देखा। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि किस तरह वो बता रही है कि जो जिसने भी किया है बहुत बुरा किया, ये क्या वो क्या, ठीक है। फिर दूसरा क्लिप भी आप समझ गए। हाँ, किस प्लेटफॉर्म पे लीक हुआ था पहले? देखा नहीं, अभी तो बोला मैंने स्नैपचैट पे। हाँ। अच्छा अच्छा, स्नैपचैट पे पब्लिक हो गया होगा राइट? हाँ। इतने टाइम में मतलब आपको यही जाना कि ये सब चीजें वायरल करो, क्या है, क्या फर्क पड़ता है? फिर उसके एक ऑडियो वायरल होता है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी देर से भी वायरल चल रहा है, उसमें बताया जा रहा है उसके तरह से, जो आप सबसे पहले उसको भी आप सुन लीजिए। वीडियो है ठीक है, लेकिन वीडियो को जो फैला रहा है मतलब वो गलत चीज क्यों फैला रहे हो दुनिया में? पहले ही कोरोना चल रहा है, पहले दुनिया चली जा रही है, अभी सुशांत का हुआ, क्यों लड़की को डिप्रेशन में डाल रहे हो? तो दोस्तों आपने जैसा सुना देखे होंगे कि आपने उसने क्या पहले क्या बोला और फिर बाद में क्या बोला कि मुझसे ये मिस्टेक से, उसने एक स्टेटमेंट भी जारी किया दोस्तों, कल ही वो वायरल हुआ, कल से परसों तक मैं पूरी तरह से वायरल हुआ है, अभी भी वायरल चल रहा है वो स्टेटमेंट। उसमें रिपोर्ट किया गया जो FIR टाइप से होता है स्टेटमेंट, वो लिख के दिया गया है साइबर क्राइम ऑफिसर को, किसी ने लिखा सॉलिड में वहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है। मैं निशा गुरगेन, जो मैं ये वीडियो जो बनाया हूँ, मैं इस फिल्माया इस वीडियो को मैं अपने से फिल्माया हूँ जिसमें मेरे बॉयफ्रेंड है और मैं हूँ, और दोनों की सहमत से ये वीडियो क्रिएट हुआ है, और जो ये वीडियो है मुझसे भूल से ही स्नैपचैट पे अपलोड हो गई जो स्टेटस में, और वो 2 घंटे तक अपलोड हो गया। उसके बाद जो है मुझे कॉल आता है अपने दोस्त का, उसने मुझे बताया कि आपका वीडियो यहाँ पे वायरल चल रहा है जो कि आपने डाला था, तो वो मिस्टेक से डाल दिया, उसका कहना है मैंने मिस्टेक से डाल दिया। अब भाई बताओ इतनी बड़ी गलती कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे भी वही एक बात हुआ है, फिर से नया स्टेटमेंट वही जारी हुआ। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि इसकी ये फ्रेंड वाली जो मैंने बताया ये भी टॉपिक पे उठ रहा है भाई, और बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि ये वो हो गई है, डेथ हो गई है, जो आप एक साइड से देखते हो वो हो गई है। तो फाइनली दोस्तों ये न्यूज़ जो है काफ़ी गलत और फेक है, और इस सब न्यूज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है दोस्तों। इंसान से गलती होती है, एक बार गलती होती है भाई, हो सकता है उसके मिस्टेक से बाय मिस्टेक उससे वीडियो अपलोड हो गई हो, लेकिन आपका क्या सुझाव है इसके बारे में मुझे कमेंट में जाए बताए। क्या वो जान के ऐसा किया है, जान के उन्होंने वीडियो को पोस्ट किया था स्नैपचैट पे, क्या उससे भूल हुई है, सारी चीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और साथ में बताइए क्या ये ड्रेस सच में ये हो गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत सारे दोस्त वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर, इसलिए मुझे इस वीडियो का खुलासा करना पड़ा। तो भाई इसकी रियल सच्चाई क्या है मुझे आपसे जाननी है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप लोग चाहो तो इस वीडियो को शेयर करना बंद कर दो भाई, अब भी शेयर करना रोक दो, किसी के ऊपर इतना डिप्रेशन मत डालो, क्योंकि सुशांत भाई के ऊपर जान सकते हो कितने डिप्रेशन से वो लौट थे, जिसकी वजह से आज उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ऐसा कदम उठा ले, फिर बाद में आप कुछ कहिएगा हम ही लोग का गलती था ये कहते। तो भाई आप लोग वीडियो को मत शेयर करो, वो वीडियो जहाँ तक दिखे वहाँ पे वहीं पे रिपोर्ट मारिए, आपके मोबाइल में अभी है तो उसे फटाक से डिलीट मारिए भाई। किसी की ज़िंदगी किसी की लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, इतने बड़े पॉपुलर क्रिएटर है वो, किसी की मजबूरी को समझिए। इंसान से गलतियाँ एक बार होती है, उसके बाद उसके भगवान भी माफ़ करता है गलती को, आप लोग भी माफ़ कर दीजिए। और सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार बरसाइए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब के जाइए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं बोलूँगा एक बार आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, डिसलाइक मत कीजिएगा भाई, जिससे मुझे डिमोटिवेट ना होना पड़े। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भगवान का थैंक्स फॉर।